खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम यात्रा को सफल और सुगमता से संपन्न कराने के लिए समाज समिति और मंडलों का धन्यवाद किया है। साथ ही जिले के सभी अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, आपदा प्रबंधन, जल और विद्युत निगम, सफाई कर्मचारियों को यात्रा के सफल संचालन की बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि यात्रा के रास्ते पर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए शुरू की गई QR कोड योजना से प्लास्टिक निस्तारण में मदद मिली। अगले साल इसे व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन कराए गए, जिससे यात्रियों को अनावश्यक लाइन में नहीं लगना पड़ा और मंदिर के आसपास भी भ्रमण का मौका मिला। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि अगले वर्ष यात्रा को और सुखद बनाने के लिए अभी से तैयारियां की जाएंगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इस उसमें अगर हम इस यात्रा को देखते हैं तो इसमें तकरीबन टोटल लगभग 16 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम जी का यात्रा की है, जिसमें से 2,01,793 लोगों ने OPD में सेवाएं ली हैं, और इसके अलावा 16,043 लोगों ने इमरजेंसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया है, 123 लोगों को हेली के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। मैं केदारनाथ धाम 2022 की सफल संचालन के लिए हमारे समस्त तीर्थ पुरोहितों का, सभी व्यापार मंडलों का, व्यापार संघों का, हमारे टैक्सी यूनियन का, हमारे सभी समस्त जनप्रतिनिधियों का, ग्राम प्रधान से लेकर हमारे समस्त जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, घोड़े कच्चर की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तथा जितने हमारे समस्त अधिकारीगण, पुलिस की फोर्स, NDRF, SDRF, ITBP, आर्मी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।